कोयनार के साग लाए थे पापा, वही वाला अभी जा रही है काटने, आ रही है साग को बनाने। तो इसको पहले क्या करना है? तो तेल गरम हो गया, अब प्याज और मिर्ची डाल देने जा रहे हैं। प्याज हम लोग का काफी अच्छा से भुंजा गया है और साग को डालने के लिए जा रहे हैं। देखिए अभी साग को डाल दी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी पैर भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना प्यार अच्छा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह हम लोग का खाना बन गया है और अभी देखिए यहाँ सब्जी बन रहा है और दादी का सब्जी बन रहा है। हाँ दोस्तों देखिए आलू भिंडी का सब्जी है, एकदम बहुत ही अच्छा सब्जी बना रही है देखिए। और दादी इधर आंगन का साफ सफाई करने में लगी हुई है दोस्तों, आके देखिए पूरा झाड़ू लगा रही है। तो ठीक है बनाइए है। तो अभी मुनकी जी अभी सब्जी वब्जी बनाएगी दोस्तों, खाएगी, चावल तो बन गया है, सब्जी भी बनाएगी। और अब हम जा रहे हैं उधर बारी जहाँ पे कल नली बनाए थे। तो आ गए दोस्तों बारी और देखिए पापा तो पूरा चुभी करके पूरा उस तरह पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और थोड़ा सा इस तरफ बचा हुआ है दोस्तों। तो पापा बोल रहे हैं कि पहले उस तरफ खीरा है तो खीरा में पहले सिंचाई कर दो, उसके बाद यहाँ लगना। तो अभी हम जा रहे हैं डिलीवरी फीता लाने के लिए। तो आके निकाल लिया दोस्तों, देखिए फीता भी और एक पाइप लगता है ये भी। और अभी उधर खुशी मम्मी गया बच्चा सबको क्या देने के लिए गई थी और इधर सब्जी ही बन रहा है। तो चलिए ले चलते हैं इनको, ले आए। और दोस्तों देखिए ये पाइप को पहले यहीं पे डालते हैं, देखिए डाल दिए। कहा कि इसमें है कि डिलीवरी फीता जो है ना वो पतला हो जाता है इसलिए सेक नहीं होता है। तो चलिए फीता को अब यहाँ पे पार करते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पे जो ट्यूब है दोस्तों ये इसे बांधेंगे। तो दोस्तों देखिए फीता लगा लिए और अभी मोटर भी चालू करके आ गए हैं दोस्तों और पानी भी आ रहा है। और अभी देखिए कैसे नली सब में जा रहा है अभी। तो नली में पूरा मेला सजा दिए हैं, पूरा यहाँ से देखिए वहाँ तक एक साथ पटेगा, उसके बाद नीचे वाला में जाएगा दोस्तों, नीचे वाला पूरा हो जाएगा उसके बाद उस तरफ पटाएंगे। तो चलिए अभी इसी तरह अभी पटाते हैं। तो दोस्तों उधर अभी सोझा के आ गए हैं यहाँ गोबर उठा देने के लिए। और अभी खुशी मम्मी आई है देखिए खीरा खाते खाते, अभी गोबर ले जाएगी और उस तरफ मम्मी पापा हैं उधर गोबर डालेंगे। तो उठा दें फटाफट है ना? हाँ, तो चलिए दोस्तों अभी उठाते हैं एकदम फटाफट। पहले खीरा तुम खा लो, पहले उठाइए ना, खाने के लिए लेट लगेगा। देखिए एकदम कैसे नाश्ता एकदम लेके आ गई है। तो चलिए पहले हम गमला भर देते हैं। तो दोस्तों देखिए भर दिए, अब जा रहे हैं उठा देने, उठा दें। उठा दीजिए। चलो जय बजरंग बले। तो देखिए उठा दिए तो लेते नहीं है। अच्छा उठा दो। तो देखिए अब लेके चली दोस्तों और ऐसे ही अभी काफी एकदम उधर गोबर डालना है तो मम्मी उधर डाल रही है। तो चलिए फटाफट इसी तरह करके उठा देते हैं, खुशी मम्मी ले जाएगी। तो दोस्तों देखिए पूरा पूरा गोबर डाल लिए दोस्तों, पूरा बारी में गोबर डाल लिए हैं और अब चले हम लोग घर। चलिए खाना वाना खाएंगे है ना? चलिए। तो चलो गमला भी लेते चलो। पौधे के सामने आ गए और यहीं पे अभी धो लेंगे, काहे भिंगा रही है माने गोबर लटका है इसीलिए। अच्छा तो चलिए दोस्तों यहीं पे अभी हम लोग धो लेते हैं पूरा मुँह कान। तो पहले ही सुबह ही धो लिए थे। हाँ, कुछ हम लोग खीरा भी खा लिए। हाँ हाँ, तो चलिए फिर हाथ पैर धो लेते हैं अच्छा से। चलिए धोइए और चलिए फटाफट। हाँ हम धो लिए। धो ली ना? तो धो धा के आ गए दोस्तों और अभी बैठ गए हैं और अभी देखिए खुशी मम्मी ले आई है बाट के। और जब तक गर्मी है तब तक इसी तरह पानी वाला भात हम लोग का चलेगा, माड़ भात। तो अभी माड़ भात ले आई है और सब्जी सब्जी नहीं बना है। सब्जी नहीं बना है? नहीं। तो सब्जी घर रही नहीं बना है और सुबह ही देखे थे दोस्तों सब्जी बना रही थी। तो देखिए ले आई। तो सब्जी दोस्तों देखिए आलू भिंडी का भुंजिया है। तो खाना खा के अभी आ गए हैं दोस्तों यहाँ खीरा बारी और उस तरफ सिंचाई हो गया, उधर पट गया है पानी। और अभी देखिए यहाँ आके बांध दिए तो उधर पानी जा रहा है और
यहाँ भी खोल दिए हैं दोस्तों, और इधर भी पानी जा रहा है। अब छोड़ देंगे, फिर यहाँ रहेगा 10-15 मिनट या 20 मिनट तक रहेगा, पानी अपने पड़ जाएगा, उसके बाद आके वो अलग खेत में सोझाएंगे। और अभी देखिए यहाँ किस तरह पानी गिर रहा है, पापा का ये जुगाड़ है दोस्तों, एक पाइप काट के यहाँ लगा दिए हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो ये जो किनारा है, भासना है, भासना धीरे धीरे बह के धस जाता है, इसलिए पाइप का टुकड़ा लगा दिए हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा से गिर रहा है पानी, और अभी उधर से आ रहा है, तो चलिए अभी छोड़ देते हैं। दोस्तों सिंचाई मेरा हो गया और अभी इधर पानी जा रहा है, तो उधर भी अब पड़ने ही वाला है, तो चलिए हम चलते हैं घर दोस्तों, और मोटर बंद कर देंगे। और अभी धूप कर रहा है, तो शाम में आके यहाँ पे पापा क्या लगाएंगे, बोल रहे थे खीरा लगाने के लिए, तो पता नहीं खीरा ही लगाएंगे, तो शाम में आके लगाएंगे। तो घर आ गए दोस्तों, और अभी यहाँ देखिए खुशी मम्मी क्या कर रही है, काज कर रही जी, कोनार का साग निकाल रहे हैं जी। तो देखिए दोस्तों कोनार का साग कौन लाए थे? पापा लाए थे। तो देखिए दोस्तों कोनार का साग, तो इसको निकाल रही है ना, निकाल कर रख देंगे ना, तब बनाने समय नहीं निकालेंगे, अभी खाली है तो निकाल कर रख देंगे। अच्छा, तो अभी खाली है दोस्तों, धूप है तो खाली है, तो अभी निकाल कर रख रही है, बाद में सब्जी बनाएंगे। और इनका सब्जी दोस्तों खाने में काफी मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, एकदम पूरा टेस्टी। तो चलिए अभी निकाल के रख देते हैं, बाद में बनाएंगे सब्जी, है ना। तो देखिए अभी हम लोग पूरा अच्छा से निकाल के मौनी में रख दिए हैं, एकदम कैसा दिख रहा है दोस्तों, काफी मस्त एकदम। तो चलिए रख दीजिए। तो अभी रख दे रहे हैं दोस्तों, और धूप ढलेगा, उसके बाद जाएंगे खीरा रोपने, और फिर उधर से आएंगे तो फिर सब्जी बनाएंगे, और आप लोग को भी दिखाएंगे दोस्तों कि कोनार साग का रेसिपी कैसा बनता है ना, सब्जी कैसा बनता है वो बनाएगी, वो भी आलू मिला के। हाँ थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा आलू मिक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ तो फिर रख दीजिए। अब दोस्तों आराम करने के बाद, अब धूप कम हो गया है, तो आ गए हैं यहाँ पे। और दोस्तों पापा देखिए यही वाला दाना लगाएंगे, ये वाला क्या दाना है आप लोग बताइए। तो ये वाला दोस्तों खीरा दाना है, खीरा ही लगाएंगे। तो अभी पापा उस तरफ लगे हुए हैं, तो चलिए अभी पहले गोबर सबको मिलाना पड़ेगा मिट्टी से, तो पहले मिला लेते हैं, बाद में इसको रोपेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना सारा कोड़ी है, इसको हम लोग कोड़ी बोलते हैं, महुआ का फल है, देखिए तो कैसे गिर गया हवा से। तो चलिए फटाफट अभी मिला देते हैं, पापा उस तरफ मिला रहे हैं, इसे मिलाना पड़ता है। अब इसको मिला के मिट्टी से ढक देंगे अच्छा से। और अभी आके देखिए मुनकी जी यहाँ रोपने भी लगी दोस्तों, एकदम हाँ। तो दोस्तों खीरा रोप के अभी आ गए घर, और अभी जा रही है सब्जी बनाने। और क्या सब्जी दोस्तों, तो आप लोग को बताए थे कि कोनार के साग लाए थे पापा, वही वाला अभी जा रही है काटने, धो के ला लिए हैं, काट रहे हैं। हाँ तो अभी धो के ले आई है, और अभी काटने के लिए जा रही है। और अभी दोस्तों देखिए चूजा सब कितना आया है, और इन लोग का मम्मी मर गई दोस्तों, सिर्फ ये चूजा सब बचा हुआ है। तो देखिए घर से इधर, हाँ अभी हम लोग को देखती है, पूरा परेशान करती है। तो चलिए देखिए अभी काट रही है, और साग को सभी काट लेंगे, उसके बाद ही सब्जी बनाएंगे, है ना। तो दोस्तों साग के काट के रख दी थी, और खाना वाना बना ली, उसके बाद अब जा रही है साग को बनाने। तो इसको पहले क्या करना है, इसको पहले भाप लेंगे, उसके बाद प्याज से भूंजेंगे। तो देखिए अभी प्याज वाज सब काट के रखी है, अभी भूंजेगी, तो चलिए अभी भापिए। तो देखिए अब चूल्हे में चढ़ा दी, अब दोस्तों चढ़ा के ही अब भापने के लिए, उसके बाद तेल और मिर्ची से प्याज से भूनेंगे। तो अभी भापने के लिए दोस्तों चूल्हे में अभी चढ़ा दी, तो चलिए अब भफाता है। देखिए पूरा अच्छा से भफा गया है, और अभी थास रहे हैं, अभी पूरा अच्छा से थोड़ा थास रही है, तो अभी भफा गया है दोस्तों। और अभी देखिए कढ़ाई से निकाल दे रही है, अब कढ़ाई खाली करके अब तेल डालने जा रही है। देखिए तेल डाल दी दोस्तों, और यहाँ पे प्याज भी काट के ले आई है, और प्याज थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं, क्या कि साग कम है तो प्याज ज़्यादा डालेंगे। तेल गर्म हो गया, अब प्याज और मिर्ची डाल देने जा रहे हैं। देखिए डाल दी, चला देंगे। तो प्याज हम लोग का काफ़ी अच्छा से भुंजा गया है, और साग को डालने के लिए जा रहे हैं। देखिए अभी साग को डाल दी,
चला देंगे अच्छा से। तो दोस्तों देखिए हम लोग का अच्छी तरह से एकदम पूरा अच्छा बन गया है सैक को, हम उतारने के लिए जा रहे हैं। ठीक है उतार दीजिए। चलिए तो दोस्तों देखिए अभी खाने के लिए बैठ गए हैं और पूरा परोस दी है दोस्तों, और यही वाला है कोयनार का साग का भुंजिया और अभी दाल। और अभी देखिए पापा उन लोग को अभी परोसने जा रही है बाहर की तरफ, और देखिए मोनिका के पापा भी आए हैं दोस्तों मोनिका को लेते हुए, और अभी आए हैं पूरा अंधेरा में तो अभी साथ में ही खा रहे हैं दोनों हम लोग। तो चलिए अभी खाते हैं दोस्तों और कोयनार साग का मज़ा लेते हैं। तो खाना खा लिया दोस्तों और काफ़ी एकदम गर्मी, और अभी देखिए मम्मी खा रही है इस तरफ और मोनिका की मम्मी भी, और इस तरफ मोनिका का मोनिका देखिए पूरा दबा के आई है हाँ पूरा एकदम। तो कैसा लगा है मोनिका? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सब्जी काजी खा रही है, काजी का सब्जी। कोयनार साग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। मोनिका दोस्तों पहले कोयनार साग है कि क्या है साग अच्छा लग रहा है ना सागवा? तो अभी देखिए दोस्तों मोनिका की मम्मी भी आई है और मम्मी भी, और तुम भी खा लो है ना। हाँ। तो अभी सभी को खा रहे हैं दोस्तों, और दादी बाहर में, पापा भी बाहर में, और अभी देखिए दोस्तों अब खुशी की मम्मी भी खाना शुरू कर दी और मोनिका उधर और चावल लेगी का आर भात ले भाई गुड़ी आए। तब सब्जी बहुत अच्छा लग लो ना, बढ़िया लग लो ना। दाल के साथ बहुत भात खाती है। दाल के साथ पूरा खाती है भात ना। तो अब ला दें तो मोनिका को थोड़ा चावल दे देते हैं दोस्तों। और दादी इस तरफ खा के बैठ गई दोस्तों, और देखिए नहीं सिराव लें को बेस नहीं लाग ले नहीं बेस लागे और नहीं तोरा बेस नहीं लागो ना भात बेस नहीं लाग ले तो तीनवा बेस लाग ले कि नहीं सावाद लागलो। तो सागवा बोल रही है दोस्तों वैसे लगा, लेकिन ज़्यादा भात था तो सिराने नहीं सकी। तो दोस्तों सभी खाना खा लिए और अब जा रहे हैं आराम करने के लिए, और आज दोस्तों डबल खुशी क्योंकि मोनिका उन लोग भी आ गई और सब्जी भी काफ़ी मज़ा आ रहा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।